नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यू टैक एंड ट्रिक्स पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार के बारे में अगर किसी व्यक्ति के पास कोई आईडी नहीं है तो वो अपना आधार कैसे बनवाए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आधार आप तीन तरह से बनवा सकते हैं पहला तरीका आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए दूसरा तरीका अगर आपके पास आई प्रूफ नहीं है तो आप अपने रिलेटिव के आधार कार्ड से अपना आधार बनवा सकते हैं तीसरा तरीका अगर आपके पास कोई आई प्रूफ नहीं है तो आप एक फॉर्म के ज़रिए भी अपना आधार बनवा सकते हैं फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए जानते हैं फॉर्म के द्वारा आधार कैसे बनवाया जा सकता है वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के स्क्रीन पर आप एक फॉर्म देख सकते हैं इस फॉर्म में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है जैसे आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो जितने भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के जो भी ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैसे ही अगर यहाँ पे बात करें प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट्स जितने भी सपोर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वो सब लिस्ट यहाँ पे दी हुई है वैसे ही डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं तो मैं यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि आप बिना डॉक्यूमेंट्स के कैसे अपने आधार को बनवाएं या फिर उसमें अपडेट कराएं तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक फॉर्म मिल जाता है जो तो तीसरा पेज है इसमें वो है फॉर्म का तो इसमें इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इस फॉर्म का यूज़ आपको कैसे करना है और इसको फिलअप कैसे करना है तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस फॉर्म का यूज आप नए आधार के लिए या फिर आधार में सुधार के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है रेजिडेंट अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इस पर टिक करना है अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक करना है वैसे ही आप देख सकते हैं अगर आपको नया आधार बनवाना है तो आपको न्यू एनरोलमेंट के सामने टिक करना है अगर आधार में अपडेट कराना है तो आपको इसके इस बॉक्स में टिक करना है अब यहाँ पर बात आती है अगर आप नया आधार बनवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना पूरा नेम देना है और ये पूरा फॉर्म जो है वो आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले आपको नेम अपना पूरा पूरा नेम इसमें फिल कर देना है उसके बाद में केयर ऑफ में आपको अपने फादर का नेम देना है फिर यहाँ पर एड्रेस है एड्रेस के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन कोड है डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें आपको अपना सिग्नेचर करना होगा और रिसेंट का जो आपका फ़ोटो होगा वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफाइड डिटेल टू बी फिल्ड बाय द सर्टिफायर ओनली तो जिस भी ऑफिसर से आप यहाँ पे सर्टिफाई करा रहे हैं तो उसका आपको पूरा डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा जैसे उसका नाम उसका डेजिनेशन मतलब पोस्ट एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे उससे फिल कराना है और इसे सर्टिफाई कर कौन सकता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑफिसर दिए हैं जैसे गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए का होना चाहिए या फिर विलेज पंचायत का हेड हो सकता है या फिर गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी हो सकता है फिर एम पी एम एल एम एल सी ये सब हो सकता तहसीलदार हो सकता है और यहाँ पे देख सकते हैं अगर जो हेड ऑफ रेकनाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब जो इंस्टीट्यूट का जो प्रिंसिपल होता है वो भी कर सकता है वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्टर होम्स ऑर्फेंस जो इनके हेड होते हैं ये भी सर्टिफाई कर सकते हैं तो इसमें करना क्या होगा उनको यहाँ पे अपना पूरा नेम एड्रेस डेजिनेशन कॉन्टैक्ट नंबर और जिससे आप करा रहे हैं उसके आगे, आगे आपको टिक यहाँ पे कर देना है उसका सिग्नेचर और इस्टैम्प करा के पूरा इस फॉर्म को फिल करके आपको ले जाना पड़ेगा आधार सेंटर एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जो डेट यहाँ पे लिख देंगे तो उसी डेट उस डेट से तीन महीने तक ही ये वैलिड रहेगा जो डेट स्टैम्प पे लिख लिखी होगी या फिर जो यहाँ पे लिख जाएगी तो तीन महीने के अंदर ही आप इस फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं तीन महीने बीतने के बाद ये फॉर्म जो होगा वो आपका काम नहीं करेगा तो इस फॉर्म का यूज करके आप अपने आधार में अपडेट करा सकते हैं या फिर नया आधार भी बनवा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग